हेलो एवरीवन चटाका रसोई में आज हम बनाएंगे सिर्फ तीन चीज़ों से बहुत ही बढ़िया बाजार जैसा सुपर सॉफ्ट केक जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम और इसको हमें अच्छी तरह से फेंटना है तो ये देखिए सबसे पहले हम बोल में सारी क्रीम निकाल लेंगे यहाँ मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी केक तो मैंने ये आधा डिब्बा था केक के लिए क्रीम का मेरे पास वो मैंने क्रीम ले ली है और यहाँ मैं तो आ, इलेक्ट्रिक वाला जो ब्लेंडर होता है उससे इसे फेंटूंगी तो अगर आपके पास ना हो तो आप जो हैंड विस्कर आते हैं उससे भी इसे फेंट सकते हैं ये देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है ऐसा करने से आपकी क्रीम थोड़ी देर बाद थिक होने लगेगी अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही धीरे धीरे आप देखते जाएंगे क्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा थिक होने लगेगी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये देखिए आप देख सकते हैं क्रीम हमारी कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से फूल चुकी है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रीम फिट चुकी है अब ये देख सकते हैं आप क्रीम कितनी थिक है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं टपक रही है और अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच पिसी हुई चीनी तो चीनी आप जब ऐड करें तो इसे फेंटने के बाद एक बार जरूर आप इसे टेस्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि क्रीम में मिठास थोड़ी कम है तो आप थोड़ी सी और इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा पिसी हुई चीनी और ये देखिए क्रीम हमारी तैयार है क्रीम हम साइड में रख देते हैं और अब मैंने यहाँ एक कटोरी में लगभग आधा कटोरी पानी लिया है उसमें चार चम्मच चीनी डाली है और इसे मेल्ट करके हम एक शुगर सिरप तैयार करेंगे पिसी चीनी लेंगे तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और अगर आप नॉर्मल चीनी से भी इसे बनाएंगे तो बन जाएगा ये और ये देखिए अब यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस मैंने यहाँ पाँच ब्रेड स्लाइस लिए हैं और अब हमें इसके जो साइड ये एजेस हैं ये इन्हें निकाल देना है हमको ये देखिए ब्रेड को चारों साइड से ये इसके एजेस निकाल देंगे हम बहुत ही धीरे से निकालिएगा वरना ये ब्रेड जो है साइड से टूट जाती है ये देखिए बहुत आराम से ये निकल जाते हैं नाइफ से कोई भी शार्प नाइफ ले लीजिए आप और ये देखिए ब्रेड हमारी तैयार है अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे ये सारे ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इन्हें हम हटा देते हैं और अब हम लेंगे एक क्लीन प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर भी आप इसे बना सकते हैं मैं आपको आ, सिर्फ पांच ब्रेड से इसे बनाकर दिखा रही हूँ आप अगर एक बड़ा केक बनाना चाहें तो इसे ब्रेड को आ, इसके पास वाली साइड में अलग अलग लेयर्स बना के बड़ा सा केक भी बना सकते हैं तो सबसे पहले मैंने प्लेट पर थोड़ी सी क्रीम लगा दी जिससे कि ये ब्रेड जो है ये फिसले ना बिल्कुल भी इधर उधर ना हो और अब मैं इस पर शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था वो स्प्रेड कर दूंगी शुगर सिरप को आपको पूरे ब्रेड स्लाइस पर बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करना है और शुगर सिरप डालने के बाद हम इस पर डाल देंगे क्रीम ये देखिए क्रीम को मैंने फेंटने के बाद ना चिल ट्रे में रख दिया था क्योंकि बाहर रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी एकदम ढीली हो जाएगी तो इस तरह से अब ये देखिए क्रीम लगाने के बाद फिर से मैंने इस पर ब्रेड स्लाइस लगा दिया और फिर से उसके ऊपर शुगर सिरप लगा दिया है और अब फिर से इस पर क्रीम लगाएंगे तो इसी तरह से आपको सारे ब्रेड को एक के ऊपर एक प्लेस करते जाना है और उस पर क्रीम और शुगर सिरप लगाते जाना है ये देखिए आप बड़ा केक भी बनाते हैं तो आपको इसी तरह से पूरा प्रोसेस करना है पहले ब्रेड स्लाइस पर आपको लगाना है शुगर सिरप फिर उसके बाद आप पूरे स्लाइस पर क्रीम स्प्रेड करिए और क्रीम को बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा जिससे कि पूरे हमारे केक में सभी जगह पर क्रीम होनी चाहिए ये देखिए अब इस तरह से मैंने यहाँ पांच ब्रेड स्लाइस का ये केक बनाकर तैयार किया है अब हम क्या करेंगे ऊपर से तो हमने क्रीम लगा ही दी है अब इसकी ये जो साइड्स है ना इन्हें भी हम क्रीम लगाकर एकदम स्मूथ कर लेंगे ये देखिए अच्छी तरह से आपके पास अगर ये इस टाइप का स्पैचुला ना हो तो आप किसी नाइफ़ की हेल्प से भी इस काम को कर सकते हैं आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से केक बनाना बता रही हूँ मैंने कोई भी एसेंस इसमें यूज़ नहीं किया है और कोई भी इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो बहुत आपको लाने में दिक्कत हो या ना मिले बहुत इजीली आप इस केक को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं ये देखिए चारों तरफ क्रीम लगा दी है अब मैंने क्या किया था जो चॉकलेट सिरप आता है ना उसको एक सिंपल जो ट्रांसपेरेंट वाली छोटी थैली होती है ना उसमें भर कर और उसका एक कोन तैयार कर लिया था अब इस कोन से मैंने ये इस तरह से इस पर लाइंस बना दी है चॉकलेट की बहुत सिंपल तरीका है इसे ना कोई बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकता है ये देखिए सारी लाइंस बना दी हैं हमने और अब हम करेंगे या तो एक टूथपिक ले लीजिए आप या आपके पास कोई भी आ, इस तरह की चीज़ हो ये मेरे पास ना चॉप स्टिक है मैं इससे इसको डिज़ाइन कर रही हूँ इस तरह से आप बस इसमें लाइन करते जाइए डिज़ाइन आपका खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाएगा ये देखिए बहुत आसान तरीका है केक बनाने का आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब थोड़ा सा ये जो साइड्स हैं इसकी इन पर भी हम चॉकलेट लगा देते हैं आप इसे जब फर्स्ट टाइम अपने घर पर ट्राई करेंगे ना तो इसका रिजल्ट देखकर आपके घर वाले और आप भी बहुत खुश हो जाएंगे और ये मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रखी थी तो मैंने वो इस पर डाल दी है ये ऑप्शनल है ना हो तो आप इसे मत डालिए और ये देखिए हमारा कंप्लीटली केक बनकर तैयार है बहुत ही फटाफट बनने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और चलिए मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ ये देखिए कितना स्मूदली ये कट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और कितना इस्पॉन्जी लग रहा है अभी मैं आपको इसको प्रॉपर दिखा देती हूँ ये देखिए आप कभी भी इसको घर पर बनाकर ट्राई करेंगे ना तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने घर पर बनाया है आज तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी तीन चीजों से इसे बनाकर दिखाया है हमने लिया ब्रेड क्रीम और चॉकलेट बस तीन चीजों से हमने इसे बनाकर तैयार किया है तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक आसान सी रेसिपी के साथ तो तब तक के लिए बाय बाय